और टीम का ऑस्ट्रेलिया ही दौरा 21 नवंबर से खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दौरे में 3 मैचों की T20 सीरीज, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी होगी, लेकिन सभी की निगाहें टेस्ट सीरीज पर लगी होगी। बता दें इसी के चलते टेस्ट सीरीज पर टिप्पणी करते हुए पूर्व गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा कि भारत को पहले टेस्ट में 3 पेसरों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए। आशीष नेहरा ने कहा कि पहले टेस्ट मैच की 11 में भारत को जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और उमेश यादव के साथ मैदान पर उतरना चाहिए। नेहरा ने कहा कि उनके हिसाब से पहला टेस्ट टीम मैनेजमेंट को भुवनेश्वर कुमार 11 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि भुवनेश्वर कुमार को पहले टेस्ट का हिस्सा होना चाहिए। भुवी के कुका बोरा बॉल के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि पुरानी कुका बोरा गेंद ड्यूक या एसजी बॉल की तरह स्विंग नहीं होती। मैंने ने कहा कि साथ ही वर्तमान में उमेश यादव का फिटनेस स्तर और उनकी क्षमता उन्हें ऑस्ट्रेलियाई हालत में टीम के लिए एक एसेट बनाती है। बहरहाल नेहरा की ये बातें भुवी के फैंस को खराब लग सकती। आपको बता दें कि पहला टेस्ट मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा और ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच में भारतीय टीम मूवी के साथ खेलती है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।